फिर वक्त आ गया ऊपर चेकिंग करने का। और आज तो मुझे मैं निकलने लगा था और सबसे ज़रूरी सामान जो था वो यहीं छोड़ दिया। फिश सारे लगता जितने भी पूर है ना वहाँ पे बारिश हो रही, पहले पालमपुर में अब हमीरपुर में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमिकल सैमी। एंड ऑलमोस्ट मैंने पालमपुर में हफ्ता लगाने का था, मैं वापस घर जाने लगा हूँ। एंड वही है कि घर जाने से पहले मैं थोड़ी प्रूफिंग कर जाता हूँ। थोड़ी चूहों के लिए तो मैं ऑलरेडी कर गया था वो कवर करके, बट ये कि मैं थोड़ी चीज़ें वहाँ पर डाल के जाऊँगा ताकि चूहे दोबारा ना आए। और साथ ही साथ मैंने ये लिया था जहर, वैसे जहर तो नहीं है बट ये उनको स्नेल्स के लिए भगाने के लिए चौक सी, जैसे लक्ष्मण रेखा होती, तो ये स्पेसिफिकली स्नेल्स के लिए, ताकि बाहर मैं आसपास बरांडे के और किचन के एरिया में वो इसको लगा दूँ ताकि स्नेल्स ना आए। और चूहों के लिए मैं लेके आया हूँ कुछ दूसरी चीज़, और ये कि मैं थोड़ी बहुत चीज़ें कर जाऊँगा ताकि जब तक मम्मी डैडी आएँ तब तक पिछली बार की तरह इतना जैसे वो गंद हो रखा था वो ना हो। मैं बस फटाफट से ये सारी चीज़ें निपटाता हूँ ताकि मैं टाइमली निकलूँ और टाइमली घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि आज मौसम क्लाउडी हो रखा है, ऐसे रेनी वेदर है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं रास्ते में कहीं फंसूँ बारिश की वजह से। ये जैसे वो लक्ष्मण रेखा होती है ना वैसे ही एक चौक है, और इसको बस मुझे ऐसे ऐसे आउटलाइन करना है जगह जगह ताकि वो स्नेल्स ना आए। खासकर एंट्रेंस की तरफ कर देता हूँ, क्या पता दूसरे कीड़े भी इससे थोड़े कम आए। इस पैकेट के अंदर है पेपरमिंट क्रिस्टल्स, जो मैं जहाँ चूहे थे ऊपर डालने वाला हूँ। वैसे तो मैंने बंद कर दिया था, अगर आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा, बट मेरे को डैड ने बोला कि वहाँ पे मिंट ऑयल को रुई में लगा के थोड़ा जगह जगह पे रख देना, उससे चूहे आते नहीं हैं। तो मिंट ऑयल तो मिला नहीं है मुझे प्योर फॉर्म में, ये मिंट मिली है तो मैं इसको रख देता हूँ, और ये अपने आप ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके थोड़ी हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। बाकी कितनी कारगर है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बट ये है कि जैसे मैं ऊपर आया मुझे किसी की दौड़ते हुए आ जाए। उस दिन तो मैंने जब चेक किया था तो कुछ था नहीं, बट आज कोई है चूहा। आवाज़ से तो चूहा ही लग रहा था, क्योंकि ज़्यादा भारी कदम नहीं थे, क्योंकि सकराला थोड़ा हैवी होता तो उसके वो आवाज़ ज़्यादा आती है। तो ये कि मैं हर एक कोने में ये थोड़े थोड़े रख देता हूँ, बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि कितने कारगर होते हैं। एक बार फिर वक्त आ गया ऊपर चेकिंग करने का, और आज तो मुझे आवाज़ भी आई है, तो चूहा कोई ना कोई तो था भी अब, बट सो ऊपर मेरे को कोई दिखा तो नहीं, पर ये बड़े बड़े से क्रिस्टल मैं ऐसे ऊपर छोड़ देता हूँ और देखते हैं, क्योंकि इसकी अरोमा बहुत तेज़ है और मेरी आँखों और नाकों में ऐसी वो पेपरमिंट की वो फील हो रही है ना। मैं एक बार ऊपर इनको फेंक देता हूँ टुकड़ों को, आसपास बिखेर देता हूँ। जैसे मैं निकलने लगा वैसे ही बारिश शुरू हो गई, और मेन ये कि मैंने सामान भी नहीं रखा और सामान भी ज़्यादा है, तो अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर वेट करूँ कि क्या किया जाए। बारिश तो मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, पर गीले होने के लिए सफिशेंट है बार बार चक्कर लगाने में। गलत टाइम पे लग गई है, 5-10 मिनट और रुक जाती बारिश। सारे काम तो मैंने कर दिए थे, एक काम मैंने लास्ट के लिए रखा था, क्योंकि अगर इसको मैंने पहले फैला देता तो सारे घर में हुआ गद्दे निशान पड़ जाते, तो मैं वही अब मैं जाने लगा हूँ तो मैं इसको बार बार से फेंक देता हूँ ब्लीचिंग पाउडर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसलन हो रखी है। और फिर बस ये डाल दूँगा तो वही है कि बारिश में ये मिक्स भी हो जाएगा अच्छे से, और फिर गंदगी भी नहीं फैलेगी। ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसको सर्दियों और बरसातों में जहाँ जहाँ फिसलन होती है वहाँ फेंक देते हैं,
तो मेरे हाथ होने वाले हैं गंदे बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कैमरे को करता हूँ बंद और फिर अपना सफ़र शुरू करता हूँ। सो ये बर्फ़ की चादर तो नहीं, पर ये चूना है, और मैंने ये इसीलिए काम सबसे लास्ट के लिए रखा था क्योंकि फिर ये है कि अगर मैं पहले डाल देता तो बार बार घर के अंदर निशान पड़ते, तो ये अच्छा रहता इससे जो ये फिसलन हो रखी है ना, काई कुई ये सब हट जाती है। कीड़ों के लिए भी अच्छा रहता है, इसकी स्मेल जो होती है ना, जैसे गीला हो रहा ना पानी पड़ेगा उससे इसकी स्मेल आएगी, तो उससे सांप सूंख कीड़े मकौड़े ये भी थोड़े भाग जाते हैं। बस क्लीनिंग क्लीनिंग करके अब अपना सफ़र जारी किया जाए। लेट है मैं निकलने लगा था और सबसे ज़रूरी सामान जो था वो यहीं छोड़ दिया, फिश जो मामू ने मुझे दी थी। अरे यार, और मतलब सही टाइम पे बिल्कुल, मैं बस अभी निकलने लगा था, मैंने गाड़ी मोड़ी और मैंने बस अपने रास्ते के लिए जर्नी के लिए प्रे किया, और फिर मुझे ऐसे कुछ याद आ गया, कुछ तो मैं भूल रहा हूँ जो मुझे रखना था बाद में, वो क्योंकि मैंने ये फ्रीज़र में रखे थे, और अगर ये मैं भूल जाता तो दोनों पक्षों की तरफ से मुझे बहुत डांट पड़ती कि इतना बड़ा हो गया है और भूल जाता है। मैं आते वक्त वो भूल गया था कि मैंने ताला लगाया कि नहीं लगाया, और अभी ये फिश का अचार ये सब यहीं रह जाता। क्योंकि घर पे कोई सामान था नहीं बचा, तो मैंने भी रास्ते से अपने लिए कुलचा लिया है, और साथ ही साथ अपने कज़न को चाबी दे के आया क्योंकि अब मॉम डैड आने वाले हैं, तो फिर मैंने उसको वही बोला कि अब तू यहीं पे रह कुछ दिन, ताकि वो ये जो इतनी मेहनत करी साफ़ सफाई में वो बेकार ना चली जाए। तो बस मैं खाते खाते गाड़ी चलाते चलाते गाने सुनते सुनते अपनी जर्नी कंटिन्यू करता हूँ। बारिश को सिर्फ मेरे साथ ही खेलना था जब तक मुझे गीला करने के लिए सामान रखते रखते वो ब्लीचिंग पाउडर डालते डालते, और अब सूखा हो गया और इतनी ह्यूमिडिटी गर्मी गर्मी सी होगी ना, मेरी कुर्ती भिजनी सी, बस कुर्ती के टी शर्ट मेरी भिजनी थी वो भिज गई और बारिश बंद हो गई। चलो शगुन में भी गुड लक शावर्स हो सकते, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग हो सकता है। जैसे लगता बरसातें चल गई बारिश फिर आ जाती है, सारे लगता जितने भी पुर है ना वहाँ पे बारिश हो रही है, पहले पालमपुर में, अब हमीरपुर में, पुर में सारे पुरपुर में पुरपुर हो रखी है बारिश की। पहले इतना अच्छा था, पीछे सनी मौसम था, पर चलो ठीक है, लेट्स इंजॉय द ड्राइव इन दिस रेनी मौसम जो बहुत ही ज़्यादा हो रखा है ऑसम। थोड़ी देर बारिश का यहाँ पे वाटरफॉल सड़क में चल रहा है, मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट भी ले लेता हूँ। मैं ऑलमोस्ट लगातार कितने 11 बजे मैं चला था, 1 बजे में ऑलमोस्ट 3 घंटे से मैं लगातार गाड़ी चला रहा हूँ, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ और ये वाटरफॉल कैप्चर कर लेता हूँ। वाटरफॉल तो क्या है, मजाक है, फिर भी देखने को तो मिल रहा है, मैं रास्ते में ऐसी ऐसी चीज़ें देख के भी बड़ा मज़ा आता है। तो रास्ते से रुक के घर के लिए थोड़ी सब्जियां भी ले ली, सब्जी एंड फ्रूट। हिमाचल में वो है तो थोड़ी सब्जियां अच्छी मिल जाती हैं, और ये वाली शॉप में इतने कुछ खास नहीं थी, पर अब मैं रुक गया था और इसके आगे मुझे मिलेंगे भी नहीं शायद, और वही है धूप कभी छाँव कभी बारिश, ऐसे हो रहा फिर से गर्मी लगने शुरू हुए। जब मैं इसी तेज चला रहा हूँ तो ठंडा हो जा रहा है, जब कम में कर रहा हूँ तो गर्मी हो जा रही है, अजीब सा मौसम हो रखा है, कोई बीमार होने वाला जो होता है ना मौसम, गर्म सर्द वैसा, बिल्कुल वैसा हिसाब हो रखा है। तो घर में पहुंच गया हूँ, पर एक कोई इंसान है वो मुझे देख के खुश नहीं घर में। अच्छा तो याद तो आई नहीं तेरे को मेरी, है जब मैंने फोन किया तभी बोलता कि मेरे को याद है यार, मैं बड़ा प्यार करता हूँ, अब
और एक्टिंग कर रहा है और एक्टिंग कर रहा है, देखा इसको बोलते एक्टिंग। बस बस सो घर में पहुंच गया हूँ, और जैसे कि आपने हमारा लास्ट फिशिंग वाला ब्लॉग देखा था तो आप सोच रहे हो कि उस फिश का हुआ क्या, तो उस फिश का ये हुआ अचार, मतलब बॉर्नविटा का डब्बा है उसके अंदर अचार है, और जो सबसे मस्त चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ उस फिश का, और जो दूसरी मस्त चीज़ है उस फिश की वो है ये टिक्की, जो मामू ने टिक्की में कन्वर्ट कर दी, और ये फिश सच में एक नंबर है चगास, मतलब मक्खन, मतलब खा के एकदम मुंह में घुल जाती है। सो फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं करता हूँ ख़त्म, करता हूँ मैं थोड़ा सा रेस्ट, और फिर मिलेंगे आगे चलते चलते। टिल देन टेक केयर, शबा खैर, अनुपम खैर, बाय। Thank you.